यहाँ पे भी एक कुआ है जहाँ पे हमने अपना बाइक यहाँ पे पार्क किया था। तो गाइस तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसे करके कैमरे को ऐसे कपड़े में रख लेता है तुम्हारा भाई थोड़ा सेफ्टी के लिए, और इसमें रखा हुआ है 55-250 लेंस, तो तुम्हारा भाई इसको भी रखेगा क्योंकि मैं फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ वहां पर, और शायद माइक की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं रख लेता हूँ, इत्तेफाक जरूरत पड़ जाती है। ये तुम्हारे भाई का बैग है, तो एक मैं ऑर्डर भी करने वाला हूँ कोई अच्छा सा बैग, फिलहाल तो मैं इससे ही काम चला रहा हूँ। हे गाइस, आप व्लॉग में एंड तक बने रहो और ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पता चल गया होगा मैं आपको कहां पे लेकर जाने वाला हूं, तो चलते हैं। तो थोड़ा रास्ते में रुके थे और बतिशा वगैरह लिया था, और भाई कैसा है भाई टेस्ट, मस्त है ना? तो चलो भाई भगा दो। तो हम 5 बंदे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे बहुत ही ज्यादा ओल्ड मस्जिद, और वहां पर जाके चांस मिला तो किसी से पूछेंगे कि कितने ज्यादा साल पुरानी है। एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, मैंने थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल निकाला था, तो बाकी चल के आपको दिखाते हैं। और रास्ते में यहाँ पर एक नदी, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये नदी है, ठीक है, इसमें जमुना का पानी आता है, और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है जो कि साफ होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ को निकलोगे तो बहुत ही तगड़ी वाली स्मेल आएगी। अब हम ही साफ करवाएंगे इसको। अच्छा भाई, आप साफ करवाओगे? बिल्कुल यार, करवानी पड़ेगी यार, ऐसा नहीं मानते। तो अब चलते हैं, चले चलो। इस एरिया का रोड बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब उछलते ही रहोगे, ऐसे उछलते ही रहोगे। मस्जिद के हम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये मस्जिद है, डायरेक्ट ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तो हमें कुछ ऐसे करके घूम घूम के यहाँ से कुछ ऐसे करके वहां पे जाना होगा, इधर से हम एंट्री करेंगे। ठीक है भाई, रास्ता इधर को ही हमें को जाना है। सो गाइस फाइनली ये बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी, और ये सारे बंदे खड़े हुए हैं जो हमारे साथ आए थे, ठीक है, और ये वो मस्जिद है, अभी हम इधर से कुछ ऐसे करके आए हैं, मैंने आपको वहां से बताया था, तो अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या अभी भी इसमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ से तुम्हारा भाई सबसे आगे जाता है, और ये देखो ये आप देख रहे हो ना, ये मीनार था, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे खड़ा हुआ था, अब से काफी टाइम पहले आए थे, तो ये मीनार पूरा का पूरा गिर गया, और वहां पे एक कुआ है वो भी दिखाता हूँ, कुआ बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज यहाँ से कितनी ज्यादा मतलब बेकार सी हो रही है, पेड़ यहाँ पे देखो ये ऊपर से ऐसे करके निकल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। सो गाइज फाइनली ये है मस्जिद का फ्रंट, तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा जहाँ से हम एंट्री कर सकें, तो यहाँ से हम आ गए। ये देखो ऐसे मतलब गोहे वगैरह, पता नहीं कोई भी मतलब जो भी गांव वाले हैं वही सब यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और नमाज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, आप खुद आप हालात यहाँ के देख सकते हो, और कुछ बंदे ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे ही कुछ भी खेलते रहते हैं। ये देखो यहाँ से सब ऐसे करके टूटी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से भी मतलब ये अभी हुआ है, अब से मैं 1-2 साल पहले यहाँ से यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये देखो इधर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ के क्या हालात हो रहे हैं, और सभी भाई छोटी ईंटें, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम इस मस्जिद को बनाने में यहाँ पे लगा होगा, और यहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते होंगे, अभी तो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। और सामने देखो मतलब कोई भी ऐसे यहाँ से एंट्री कर सकता है, कोई कहीं से भी यहाँ पर आ जाता है। हे बॉस, फाइनली अभी हम ऊपर आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ के हालात कितने ज़्यादा बेकार हो रहे हैं, यहाँ से गिरने का बहुत ही तगड़ा वाला खतरा है भाई, ऐसा ही उधर की तरफ था तो वो वाला गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ से भी मतलब पता नहीं क्या सिस्टम था, यहाँ से ज़्यादा नीचे भाई गिर सकता है बिल्कुल एकदम। ये देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे आते रहते हैं, आपको दिखाते रहोगे वहाँ पर कुछ बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखो कैसे जुगाड़ बनाया हुआ है, मतलब यहाँ से ऐसे देखो यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है बंदा इजीली, तो हम भी ट्राई करते हैं।
ये बंदा बहुत ही ज्यादा डरता था, हमारे साथ आया था भाई, तो ऊपर नहीं आया जा रहा, और ये बंदे कोशिश कर रहे हैं और हम सभी अभी ऊपर आ चुके हैं यार। यू कैन सी गाइज, यहाँ के देखो हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, देखो देख लिया आपने। और यह तीन गुंबद, ये मतलब आज तक सही के सही है, मतलब लग तो रहा होगा आपको भी देखने के बाद, बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों ने अपना नाम लिखा हुआ है, किसी किसी बंदे ने, और वहां पे चलते हैं, उधर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये बहुत ही ज्यादा कच्ची है, गिरने का खतरा भी है, तो तुम्हारा भाई आपके लिए वीडियो ले लेगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं, थोड़ा हम आगे जाते हैं, थोड़ा और इससे आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो यह गुंबद, और हम नीचे से कुछ ऐसे चल के ऊपर आए चढ़ के वहां से, और थोड़ा इधर से जाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पेड़ है, शायद यहाँ से आगे नहीं जाना होगा, फिर भी कोशिश करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। अरे अरे कांटे हैं भाई इसमें। ये देखो गाइस, गुंबद के अंदर से एकदम बिल्कुल खाली है, शायद यहाँ पे भी कुछ बंदे जरूर खेलते होंगे। यहाँ पे देखो आवाज गूंजती है, देखो आपको कैसी आवाज आ रही होगी। तो अंदर का सीन आप देखो, मैं अंदर नहीं जाने वाला, तो मैं थोड़ा यहीं से पीछे ले लेता हूँ और फिर वापस चलते हैं, और उधर की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो कुआं, और इस कुएं को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये वो मीनार है जो गिरा था, जो मैंने आपको उधर की साइड दिखाया। तो फाइनली अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो गाइस फाइनली हम उस कुएं के पास पहुंच चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूं, ये एक कुआं, मतलब हमारे दादाजी बताया करते थे कि इतना ज़्यादा खतरनाक था कि नीचे कुछ भी गिरते थे तो ब्रह्म धनी से कुछ ऐसी आवाज़ आ जाती थी। और फिलहाल आप यहां पर देखो, इसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसमें कचरा देखो, पूरे गाँव का कचरा शायद इसमें आता हो, और देखो नीचे पेड़ भी उग गए हैं इसमें देखो, और बैग वगैरह पड़े हुए हैं, मजाक में ऐसे दोस्त वगैरह गिरा देते हैं सब, ऐसे आप देख सकते हो वो गुंबद, और वो मैंने आपको दिखाया था टूट रहा है, और वहां से मीनार गिर गया था, और ये है कुआं। बस यहाँ से लेके ये जितना भी एरिया है, ये सब का सब एरिया, सब मस्जिद का एरिया है, मतलब 200 बीघा में ये मस्जिद है, भाई ने हमें बताया। और ये मस्जिद सन 14 में बनी थी, मतलब 1400 कुछ में ये मस्जिद यहाँ पर बनी थी, और अभी आप देख सकते हो आज तक मतलब कुछ कुछ ठीक है, और छोटी छोटी ईंटों से बनी थी, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगी होगी। और हाँ, मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, इस विलेज का नाम है गोसगढ़। तो तुम्हारा भाई निकालता है कैमरा, और उसके बाद 2-4 फोटो क्लिक करेंगे, तो जल्दी से भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहीं पर ही मैं पोस्ट कर दूंगा। निकाल भाई कैमरा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, देखो पेड़ की जड़ देखो कहाँ कहाँ तक आ रही है, ये देखो ये सब पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो सब पेड़ इसमें कुएं में आ गए, मतलब और नीचे भी देख सकते हो ये सब पेड़ ही लगे हुए हैं। और वो देखो गुंबद जब टूटा था तो वो कुएं में ही गिरा था, कुछ उसका आधा पार्ट वहाँ पर भी पड़ा हुआ है, आधे से थोड़ा कम। ये यहाँ पर कैमरामैन, और वे मॉडल, और वो जो आप कैप देख रहे हो वो तुम्हारे भाई की कैप है। ये देखो भाई, ये फोटो शूट होने जा रहा है, भाई जल्दी क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो मॉडल कितने ज्यादा स्मार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब एक आधा क्लिक हम भी करके देखते हैं। कैमरामैन चेंज हो गया, और वो दो मॉडल वहां पे खड़े हुए हैं, उधर से लाइटिंग ज्यादा आई थी इसलिए ज्यादा कुछ खास फोटो नहीं आया। भाई क्लिक करो, ये देखो एक मिनट गाइस, ये देखो कैमरा ऑफ है, और ये बने चले कैमरामैन, ना ऑफ करके दिया। फोटो क्लिक हो चुका है, और आप देखो कोई खास तो वैसे नहीं आया। अब हम जाते हैं इस सुरंग में, देखते हैं भाई, एक बंदे ने हमें बताया यहाँ पे सांप सूप कुछ भी मिल सकता है, फिर भी तुम्हारा भाई यहाँ पे अंदर आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, ये सब देखो छोटी ईंटों की है यार, मुझे देख के लगता है कि कितनी मेहनत से ये बनी होगी। और ये आई डोंट नो यहाँ पे क्या है। थोड़ा और अंदर जाते हैं, और इधर अंधेरा हो रहा है, इधर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और इधर से हम वापस निकलते हैं कुछ ऐसे करके। तुम्हारे भाई को भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बहुत डरावनी है, और यहां से फिर बाहर चले जाते हैं। तो तुम्हारा भाई चलते हैं वापस। यहाँ पे भी एक कुआं है जहाँ पे हमने अपना बाइक यहाँ पे पार्क किया था, तो वापस चलने का टाइम आ चुका है गाइज। और ये मस्जिद को मैंने आपको दिखा दी, हाथ क्यों कांप रहे भाई। आप एक बारी सोचकर देखो, 600 इयर्स ओल्ड मॉस्क मैंने आपको दिखाई, और उसकी छत अभी भी सही है, हमारा वेट संभाल भाई। तो सोचो यार कितनी मजबूती से वो बनी होगी। और आज तुम्हारे भाई का थर्ड डे है, फाइनली अब मैं आ चुका हूँ वर्कआउट के लिए, तो चलते हैं। अरे यार तुम तो ऑलरेडी आज के लिए बस इतना ही वर्कआउट, मैं अंदर अभी वीडियो नहीं बना पाया, फिलहाल चलते हैं घर। We'll be right back.
6:06 हो रही है और तुम्हारा भाई बाहर से आ चुका है और मैंने ज्यादा और व्लॉग शूट नहीं किया। मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक मारो और कमेंट करके कुछ भी बोलना चाहते हो मस्जिद के बारे में या भाई के व्लॉग के बारे में तो बेफिक्र होकर बोल देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।